हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो Y56 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है वाईफाई कनेक्टेड होने पर भी अगर आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर कभी भी आपका वाईफाई जो है आपका कनेक्ट रहता है लेकिन वो आपका इंटरनेट चलता नहीं है, तो इस प्रॉब्लम को आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि आपके वाईफाई के नीचे आपको जो है कोई इंटरनेट नो इंटरनेट का कोई लिखा हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा। अगर नो इंटरनेट लिखा हुआ है तो ये समझ लिया आपका वाईफाई जो है कनेक्शन काम नहीं कर रहा है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर जो है अभी तो ये मेरा जो वाईफाई है किसी भी वाईफाई के कनेक्शन से राउटर से ये कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जब भी कभी वाईफाई अगर कनेक्टेड रहेगा ना, तो जिस राउटर से आपका या जिस वाईफाई से आपका कनेक्टेड होगा उस वाईफाई का नाम आपके इस वाईफाई के आइकन के नीचे दिखाई देगा, ठीक है। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए आपका वाईफाई जो है किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्टेड नहीं है, जिसकी वजह से आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात हो गई। और अब दोस्तों इसके बाद आपको करना क्या, अगला प्रोसेस कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन की जो है ना नेटवर्क सेटिंग को आपको रीसेट करना है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग ठीक से काम नहीं करती है, जिसकी वजह से हमारा वाईफाई जो है ना इंटरनेट काम नहीं करता वाईफाई का, ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या है कि मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करने के लिए अपने मोबाइल फोन की ये जो सेटिंग पेज है इसे ओपन करना है, और इसके अंदर आपको सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा सिस्टम का, सिस्टम पर सिलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको ये रीसेट ऑप्शन पर टैप करना है। इसके अंदर आपको सबसे ऊपर ये रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ का ऑप्शन मिलेगा, इसे टैप करना है। ये तीनों आपकी मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग होती है, वाईफाई मोबाइल डेटा ब्लूटूथ, ठीक है। तो इसके लिए आपको नीचे रीसेट सेटिंग पे टैप करना है। अब आपने यहाँ पर जो है अपने मोबाइल फोन का स्क्रीन लॉक एंटर करना है। अब दोस्तों स्क्रीन लॉक एंटर कर देंगे तो राइट क्लिक करना है तो आपका ये वाला पेज आएगा। सबसे ऊपर देखिए लिखा हुआ रीसेट ऑल नेटवर्क सेटिंग, तो आपको नीचे रीसेट सेटिंग पे टैप करना है तो नीचे लिखा हुआ आ जाएगा नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट, ठीक है। तो इस तरीके से आप मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर देंगे ना, तो आपका वाईफाई की जो प्रॉब्लम है इंटरनेट की वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है कि आपको जो है अब अपने मोबाइल फोन का सिस्टम यहाँ पे चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फोन का सिस्टम जो है अपडेट नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे वाईफाई का जो इंटरनेट प्रॉब्लम है वो आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपको अपना सिस्टम अपडेट कैसे चेक करना है, देखिए आपके मोबाइल फोन का सबसे पहले तो आपको इंटरनेट चालू रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको अपने मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको जो है ना ये ऊपर की साइड ऑप्शन मिलेगा सिस्टम अपडेट का, इसे सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपका ये पेज ओपन होगा सिस्टम अपडेट का। इस पेज में अगर आपको कोई भी अपडेट का बटन या ऑप्शन नजर आता है तो उसे आपको टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन जो अपडेट होने लग जाएगा। अपडेट होने में 5 से 10 मिनट या आधा घंटा भी लग सकता है, आपको सिस्टम अपडेट का प्रोसेस पूरा कंप्लीट होने देना है, ठीक है। सिस्टम अपडेट हो जाएगा तो आपकी वाईफाई की जो इंटरनेट की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको जो है ना ये नीचे की साइड ऑप्शन ऊपर की साइड ऑप्शन मिलेगा नेटवर्क एंड इंटरनेट, इसे आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके अंदर आपको जो है नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का, इसे आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपका ये पेज ओपन होगा, ठीक है। आपको अपनी नीचे की साइड ये जो SIM1 SIM2 लिखा हुआ है तो इसमें से आपको अपनी सिम सिलेक्ट करनी है, ठीक है। अब आपका ये वाला पेज ओपन होगा, इसमें दोस्तों आपको जो है नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप का, इसे आपको टैप करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये पेज ओपन होगा। अगर आपका मोबाइल फोन जो है 5G का है, 5G के सामने वाले सर्कल पे आपको टिक मार्क लगाना है। अगर आपका मोबाइल फोन 4G का है तो 4G के सामने वाले सर्कल पे टिक मार्क लगाना है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों आपको इसके नीचे प्रेफर्ड नेटवर्क के टाइप के नीचे आपको ये ऑप्शन मिलता है एक्सेस पॉइंट नेम का, इसे आपको टैप करना है, ठीक है। तो ये APN का पेज ओपन होगा। APN के इस पेज में आपको सबसे ऊपर ये 3 डॉट का ऑप्शन नजर आता है, 3 डॉट पे टैप करना है तो आपका एक छोटा पेज ओपन होगा रीसेट टू डिफॉल्ट का, इसे टैप करना है। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ जाएगा रीसेट डिफॉल्ट APN सेटिंग, तो APN सेटिंग को आप रीसेट कर देंगे तो आपके मोबाइल फोन की जो वाईफाई की जो प्रॉब्लम है इंटरनेट की वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर जो ना आपको करना क्या है कि ये सारे प्रोसेस आपको जो है ना फॉलो करने हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, तो आपकी वाईफाई की इंटरनेट की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपकी वाईफाई की इंटरनेट की प्रॉब्लम जो है ये सारे प्रोसेस करने के बाद भी अगर सॉल्व नहीं होती है तो आपको करना क्या, आपके घर में जो वाईफाई का जो राउटर होगा ना, कनेक्शन का जो राउटर होता है उसका जो प्लग होता है जो बिजली के बोर्ड में लगा होता है, उस प्लग को निकाल के, चार्जर का प्लग होता है, चार्जर का प्लग निकाल के उसको वापस लगा देना है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है आपको 5 से 10 मिनट बाद फिर से कनेक्ट करके अपना इंटरनेट यूज़ करके देखना है कि आपके वाईफाई का इंटरनेट चल रहा है नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं चलेगा तो आपका जो जिस कंपनी का आपने वाईफाई का कनेक्शन ले रखा है उसके सर्विस प्रोवाइडर को आप कॉन्टैक्ट करके आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, तो फिर वही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको जितने प्रोसेस बताए पहले आपको वो फॉलो करने हैं, फिर अगर काम नहीं करते तो आपको अपने वाईफाई के सर्विस प्रोवाइडर से कॉन्टैक्ट कर लेना है।